नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कुमार टेक। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ निकॉन कोलपिक्स B500 कैमरे का फोकस सेटिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से जानने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। निकॉन कोलपिक्स B500 ये रहा, तो लेंस कैप हटाइए, फिर से जो है स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो फोकस सेटिंग है उसके मोड के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेन्यू क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये इमेज मोड में, ठीक है। इमेज मोड मतलब कि ये जो रहा इमेज मोड, ये है वीडियो सेटिंग, ये है नेटवर्क वाईफाई वगैरह, और ये है सेटिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, इमेज मोड में जैसे जा रहा है यहाँ पर देखिए एरिया फोकस मोड है, इसको मैं हर एक पे करके आपको दिखाऊंगा सेटिंग वगैरह सब। तो मेरा तो ये फिलहाल टारगेट फाइंडिंग और ऑटो फोकस है, ये बेस्ट है मेरे लिए, तो मैं इसी से शूट करता हूँ। और इसको आपको ऐसे ही रहना देना है, और ऑटो फोकस मोड जो है इसका जो प्री फोकस में रखता हूँ हमेशा। तो इसे क्या होता है, जो वीडियो है आपका, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये सेटिंग्स करने के बाद मान लीजिए मैं वहाँ पर, मैं तो यहाँ पर कुछ उड़ रहे हैं ये देखिए, तो मैं इन पर फोकस करता हूँ। ये हल्का सा प्रेस करने से, ये बटन यहाँ पर आपको हल्का सा प्रेस करना है, तो आपका जो है और फोकसिंग जो है लॉक हो जाता है। तो जैसे कि ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों, तो अच्छा फोटो तो आया है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा फोटो आया है। ये दूसरा वाला फोटो ये रहा। तो आपको क्या करना है, ये गया जो कि था उसका जो एरिया कैप्चर मोड, मतलब कि ऑटो फोकस मोड आपका, इसको जो है प्री फोकस पर रखना है। अगर आपको ये प्री फोकस छोड़ के फुल टाइम फोकस रखना है तो ये कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिकली फोकस करता रहे कंटिन्यूसली जो है फोकस करता रहता है, जो कि वो वाला मोड आपका जो है ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंज, और ये हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने क्लिक करके छोड़ दिया, तो ये देखिए देख रहे हैं ना दोस्तों, तो वो डिटेक्ट कर रहा है, ये देखिए। मैंने इसमें भी एक क्लिक करके पिक्चर ले लिया, और इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये है सिंगल शॉट लेने के लिए ऑटो फोकस सिंगल। तो ये बस एक ही बार फोकस करता है ऑब्जेक्ट पे, तो ये देख सकते हैं ये आ गया और ये लॉक हो गया, ये हो गया। और इससे पहले मैं आपको एरिया मोड की सेटिंग्स दिखाता हूँ। इसको मैंने टारगेट फाइंडिंग ऑटो फोकस में सेट करके रखा है, और अगर आप चाहें तो कोई चीज़ आपका जो है मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट ट्रैकिंग को जो है सेट करना है। तो फिर यहाँ पर ऑटो फोकस जो मोड है इसको प्री फोकस करना है, आप चाहें तो फुल फोकस कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपके जिस तरह की फ़ोटो आपको लेनी है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो।
तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सोचिए ये जो क्रशर मतलब जो स्क्वायर बॉक्स है ना, जिस उसको आपको उस जगह पे सेट करना है जिस जो सब्जेक्ट आपका जो है मूवमेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ ये वाला, तो मैं यहाँ पर पहले फोकस करता हूँ इसको। हो गया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ओके पे क्लिक करूँगा तो ये लॉक हो गया। जैसे देखिए मेरा जो कैमरा जो मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से वो अपना जो पोजीशन को सेट करता जाता है। ये है सब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड, मैं एंड कर देता हूँ। और आपको चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो फीचर है सेंटर वाला, इसको छोड़िए, ये जो मैनुअल फोकसिंग है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैनुअल फोकसिंग में बेसिकली क्या होता है, आप मैनुअली किसी भी चीज़ को फोकस कर सकते हो, दूर का चीज़ हो या फिर पास का चीज़। तो आप क्या करें, मैनुअल पे क्लिक कीजिए, ऑटो फोकस मोड पे आप जाके उसको प्री फोकस पे सेट कीजिए और फिर मेनू बटन दबाइए और ये देख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो था इसका जो मैनुअल सेटिंग है, मैनुअली आप कैसे फोकस कर सकते हो किसी चीज को। तो तीसरी चीज यह है फेस प्रायोरिटी। अगर मान लीजिए आप कोई बेहतर पिक्चर क्लिक करना चाहते हो और कुछ लाइटिंग कंडीशन की वजह से आपका जो चेहरा है जो वो डार्क हो रहा है या फिर ब्लैक हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आप ऑन कर दीजिए फेस प्रायोरिटी और आप पिक्चर क्लिक कीजिए, जो आपका जो चेहरा है वो आपका मतलब डार्क नहीं होगा, क्लियर आएगा। और ये है सेंटर, सेंटर मोड में क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप पोर्ट्रेट खींच रहे हैं या फिर कोई स्पेशल पिक्चर ले रहे हैं, तो इस चीज़ को ऑन कीजिए और वो सेंट्रली आपका जो है फोकस करेगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, मुझे इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेंट्रली इसी चीज़ को मतलब नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है अच्छे से। तो बेसिकली मुझे तो इतना ही पता है। और अगर मुझे कोई अगर आपको पास कोई सजेशन हो तो आप चाहें तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई हर कुछ नहीं जानता दोस्तों। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ और इसको टारगेट फाइंडिंग ऑटो फोकस में। तो और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो जो डायलर है ना, इसको आप हर वक्त ऑटो पे रखिए, क्योंकि मैंने जितने भी फोटोज़ लिए हैं या फिर जितना भी वीडियो बनाया है इसको ऑटो मोड पे रख के मैंने लिया है, तो वो बेस्ट शॉट देता है, मतलब कि बेस्ट आता है इसका। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ऑटो में रख के हमेशा, मतलब कि जो भी पिक्चर बनानी हो या फिर मूवी बना रहे हो तो आप ऑटो में सेट कीजिए हमेशा, ठीक है। तो इससे आपका जो है वीडियो अच्छा बनेगा। थैंक यू दोस्तों।